हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो DSSBSO हॉर्टिकल्चर, यानी कि दिल्ली जैसी जगह पर आपको हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है. अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन को एम कर रहे हैं. अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इसका सिलेबस जो है वो रिलीज़ किया गया था. अराउंड 50-60 उसमें टॉपिक्स दिए गए थे एग्रीकल्चर के. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना थोड़े बजल्ड हो गए हैं कि इतना सारा सिलेबस दिया गया है तो कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे. इजी के लिए हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं यहाँ पर स्टडी प्लान. ठीक है, अभी हमने 60 डेज का स्टडी प्लान बनाया है. ऑल्दो एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आइडियली आप मान सकते हैं कि 2 महीने बाद अगर एग्जामिनेशन हुआ तो कैसे कैसे आप इसे टैकल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस तो काफ़ी सारा है. देखिए, जनरल अवेयरनेस भी आ रहा है आपका, रीजनिंग भी आएगा, अर्थमेटिक यानी कि क्वांट भी आएगा ही, हिंदी इंग्लिश और साथ ही साथ एग्रीकल्चर तो मेन है ही. कैसे कैसे आप डिवाइड करेंगे इसे, यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट वीक में ये क्या है, फर्स्ट से लेके फर्स्ट सिक्स डेज में कैसे कैसे पढ़ोगे. देखो, पहले क्या है, जर्नल अवेयरनेस. सो जर्नल अवेयरनेस के यहाँ पर एक टॉपिक हमने ले लिया ज्योग्राफी का. ठीक है, कब पढ़ना है इसको, 5th-6th डे पे आप पढ़ सकते हो. ठीक है, फिर आ गया आपका रीजनिंग. रीजनिंग और जो क्वांट है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए. सो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. 2-2 दिन आप ये अगर डेडिकेशन से आप इसको 1-1 घंटा या 2-2 घंटा भी देंगे तो ये आपका कवर हो सकता है. ठीक है, तो सीरीज़ एनालॉजी एंड ऑड आउट क्लासिफिकेशन, ये आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं. फिर क्वांट में आते हैं तो नंबर सीरीज़ आपका फंडामेंटल, जहाँ से शुरू करा जाता है क्वांट, तो नंबर सीरीज से आप शुरू कर सकते हैं. ठीक है, फिर हिंदी हमारा स्टिल सिग्निफिकेंट है, हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, सो हिंदी के भी टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिए हैं, क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं. ठीक है, तो स्वर और व्यंजन आप पढ़ सकते हो. फिर इंग्लिश का आ गया आपका टेंस एंड आर्टिकल. अब मेन क्या है, एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं. तो टॉपिक्स जो आपने देखे होंगे वो थोड़े ना ऊपर नीचे दे रखे हैं, मतलब कहीं पर क्रॉप प्रोडक्शन दे रखा है, तो उसको पहले क्या करना है आपको, सिंक्रोनाइज. ठीक है, तो क्या शुरू कहाँ से करेंगे आप, एग्रीकल्चर हेरिटेज. एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या है, यानी कि हिस्ट्री, एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले किस क्रॉप का कल्टिवेशन शुरू किया गया, वहाँ से आप शुरू करेंगे. ठीक है, सो एग्रीकल्चर हेरिटेज. फिर धीरे धीरे हम एग्रोनॉमी की तरफ पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. सो जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स, इन सारे क्रॉप्स की टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे. ठीक है, फिर फार्मिंग सिस्टम पे आ गए. फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आजकल का करंट टॉपिक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो उससे रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, प्रिसिजन फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फिर आ गया आपका रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट. तो ये सारा आप 1 हफ्ते में कवर करेंगे. उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद क्या होता है इम्पॉर्टेंट, उसको एनालाइज करना कि आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली आप रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. सो इसके लिए मॉक टेस्ट सबसे आपका अच्छा सोर्स होता है, आप बोल सकते हो, अपने आप को एनालाइज करने का. तो संडे को कुछ मत कीजिए, आराम से बैठिए, एक मॉक टेस्ट लगाइए और फिर मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर उसको एनालाइज कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको याद हैं, जो आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है. ठीक है, सो मॉक टेस्ट लगाएंगे संडे को. फिर अलग नेक्स्ट वीक पे आते हैं हम इसी तरह से. ठीक है, जनरल साइंस वाले हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, फिर आपका रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश एंड योर मेन एग्रीकल्चर पोर्शन. एग्रीकल्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही, सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है इसमें. ठीक है, सो वीड मैनेजमेंट पे यहाँ पर बढ़ेंगे. एग्रोनॉमी कर दिया था हमने फर्स्ट में, ठीक है, फिर वीड मैनेजमेंट पे आए, फिर कहाँ पर बढ़ते हैं एग्रोनॉमी के बाद, सॉइल साइंस. ठीक है, तो सॉइल साइंस के इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, दैट इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल इरोजन कैसे क्या होता है, सॉइल
कंजर्वेशन कैसे करते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारा आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सॉइल के बारे में, साथ ही साथ इरिगेशन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल वाटर क्या होता है और इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं और कैसे उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे हम वाटर हार्वेस्ट करते हैं, कैसे कंजर्व करते हैं, क्या क्या अलग अलग आपके मेथड्स होते हैं, जैसे बेंच टेरेसिंग वगैरह होता है ना, तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के ये मेथड्स यहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर प्रॉब्लमेटिक सॉइल आ गया, प्लांट न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपके यहाँ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये हो गया आपका। फिर थर्ड वीक में आगे बढ़ेंगे, अब संडे को ही मॉक टेस्ट देना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीक पे बढ़े, फिर से सेम प्रोसेस आपको करनी है, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। सो प्लान तो बना लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उस प्लान को फॉलो करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसके बाद आप जीके का थोड़ा पार्ट पढ़ सकते हैं, ऐसे ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, आप एक एक अगर आप वीक में ऐसे डेज दे सकें, ठीक है, कि क्वांट को 2 दिन दे दो, रीजनिंग को 2 दिन दे दो, 1 दिन इंग्लिश और 1 दिन हिंदी, और एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट एवरी डे यू हैव टू कवर। तो यहाँ पर आपके सारे जो टॉपिक वाइज हैं यहाँ पर दिए गए हैं क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, और ये टॉपिक्स ना हमने क्लस्टर किए हैं, यानी हॉर्टिकल्चर के सारे टॉपिक्स एक साथ सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सारा हॉचपॉच हो रखा है, उसको क्या करना है, ठीक करना है, ठीक है। ऐसे पजल अब नहीं होना है कि क्या क्या हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप एक एक करके ये टॉपिक टिक मार्क कर सकते हैं कि ठीक है ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर अगेन मॉक टेस्ट एंड देन मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो ये वीक, हर एक वीक में आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर पढ़ना है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपका 56 डेज तक आपका, अगर आप ये पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं तो 56 डेज तक आप ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, रिवीजन पे चलना है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट, देन रिवाइज, देन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या चेक करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रह गया है मेरा जो अभी तक मैंने कवर नहीं करा है, या फिर बीच में अगर आपका कोई किसी दिन क्या होता है कि भाई चीट डे हम मना लेते हैं ना, तो किसी दिन नहीं पढ़ाई की गई, तो उसके जो सारे टॉपिक्स हैं वो आप बाद में आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्लान है, अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप दिख रहा है आपको कि स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप्स इन योर लाइफ। तो छोटे छोटे डायरेक्शंस, छोटे छोटे आप बोल सकते हो स्टेप्स, हर एक दिन आपको लेना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट डे आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। हर दिन 4-4 घंटे पढ़िए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एक बार में एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए और फिर चेक कीजिए कि कैसी आपकी प्रोग्रेस चल रही है, एंड देयर इज़ नो रीज़न कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको DSSB का कोर्स परचेज करना है तो आप हमारी साइट पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, इसका जो मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल है साइट पे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डाउटफुल है कि मैं ठीक से प्रिपेयर हूँ कि नहीं, तो मॉक टेस्ट एक बार दे के देखिए कि कौन सी आपकी कहाँ पर कमी रह रही है, ठीक है। और भी किसी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।